जय हिंद। तो आज की वीडियो हम जानेंगे कि जो है अपने सिस्टम का जो है नेम कैसे चेंज करेंगे। यदि आप सिस्टम मान लीजिए किसी से पुराना सिस्टम परचेज करते हैं, तो जो यदि आप फॉर्मेट नहीं करते हैं सिस्टम, चाहते हैं कि फॉर्मेट ना हो, सिस्टम बेटर चल रहा है तो आप चाहते हैं फॉर्मेट ना हो, तो उसके लिए विदाउट फॉर्मेटिंग जब आप चाहते हैं कि उसका नाम हट के मेरा नाम हो जाए उसकी जगह पर, जो अपना सिस्टम या अपना नाम चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। तो उसके लिए बहुत बढ़िया ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं, उससे आप जो है आपका ना सिस्टम का नाम चेंज कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली चलते हैं, सबसे पहले हम अपने सिस्टम का नाम दिखाएंगे, उसके बाद से जो मेन नाम होता है वो दिखाएंगे, उसके बाद से उसको चेंज करना बताएंगे। तो उसके लिए आपको दिस पीसी में चले जाना है, या आपने विंडोज 7 यूज़ करते हैं तो माई कंप्यूटर में आ जाएंगे। उसके बाद से यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखेंगे आपको सिस्टम प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन मिल जाएगा। यदि आपको सिस्टम प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन नहीं मिले तो यहाँ पर आपको देखेंगे कंप्यूटर मिलता है, इस पर आपको क्लिक ऐसे आप यदि आपको मिलेगा तो शो नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद से सिस्टम प्रॉपर्टीज़ पर जाना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सिस्टम प्रॉपर्टीज़ आपको विंडोज 7 में भी मिल जाएगा, वहाँ पे आपको ऐसे उसके बाद से आपके सामने ऐसा जो ऑप्शन खुल के आ जाएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे सिस्टम का जो नेम है यहाँ पर फ्रेम है, तो इसको हम चेंज करेंगे। तो चलिए हम रीनेम करते हैं, तो यहाँ पर रीनेम पे क्लिक करना है। उसके बाद से रीनेम पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखेंगे न्यू नेम यहाँ पर देने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पर हम न्यू नेम दे देते हैं। जैसे हमने न्यू नेम दे दिया, ठीक, अब इस न्यू नेम को हम चलते हैं, उसके बाद से नेक्स्ट करते हैं, सेव करते हैं। नेक्स्ट नेम आप जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि दे रहा है कि ये जिसमें जो है इसमें करेक्टर्स जो है कुछ गलत है, तो चलिए हम एक ही नेम देते हैं इसको, उसके बाद से नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखेंगे जो आपको प्रोसेस चल रहा है, और यहाँ पर देखेंगे रीनेम योर पीसी, यहाँ पर आफ्टर योर रिस्टार्ट योर पीसी नेम विल बी चेंज द नॉलेज, जो यदि आपका जो सिस्टम जो इसको रिस्टार्ट करेंगे तो आपका जो पीसी का नेम ऑटोमेटिक चेंज कर दिया जाएगा। तो इसको रिस्टार्ट लेटर कर देते हैं, उसके बाद से जब भी आप सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेंगे तो आपका जो नेम चेंज होगा गारंटी के साथ। यदि नहीं चेंज होता है तो आप हमें कॉमेंट करके बताएं, हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।